हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ और यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट जो था एग्रोनॉमी पोर्शन देखेंगे एस आर कांतवा जी के बुक का। इसमें पूरा कंप्लीट है, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो। अच्छा लगे तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है? तो वीट यानी गेहूं की। अब राइस इज ओरिजिनेटेड इन, राइस का उत्पत्ति स्थान इंडो वर्मा है, डी वाला सही है। और उसके बाद तीसरा है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, विच इज़ अबाउट कितना है, 45 मिलियन हेक्टेयर है, सी वाला सही है। चौथा आता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन पंजाब में, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है राइस की। द जीनस ओराइजा इंक्लूडेड, 24 स्पीसीज आते हैं इसके अंदर। छठवां है, द वराइटीज विच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा ग्लम्बेरिमा आर फाउंड। तो छठवें का है डी, अफ्रीका। सातवां है, द राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग टू, इसमें आता है इंडिका, ए वाला सही है। आठवां है, राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग टू, तो इसमें जवानिका आता है, ओराइजा सटाइवा वैरायटी ऑफ जवानिका आता है, डी वाला सही है आठवें का। अब अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है नौवां, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन, तो इसमें है पंजाब है और हरियाणा है। दसवां है, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नाउ एस, उसको क्या कहते हैं, तो पेनिसिल। अब ग्यारहवां है, द डी ह्यूलेड राइस ग्रेन इज नाउ एस, तो उसको ब्राउन राइस कहते हैं। राइस क्रॉप नीड, राइस क्रॉप को किसकी ज़रूरत होता है, तो गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट को, बी वाला सही है इसमें। तेरह है, फॉर रिपेनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड बी ली बिटवीन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें तापमान चाहिए होता है राइस के लिए। और अब चौदहवां, फोटो पीरियोडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ, तो राइस कौन सा टाइप है, एक शॉर्ट डे प्लांट का पौधा है। और पंद्रहवां है, द सोविंग टाइम ऑफ अस राइस इज मई टू जून होता है, सी वाला सही है। सोलहवां, द सोविंग टाइम ऑफ बोरो और डलुआ राइस इज, तो इसमें है नवंबर से दिसंबर, ये वाला आपका सही है। अब अगला देखते हैं, सत्रहवां, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉयल फॉर राइस कल्टीवेशन वैरायटी इन रेंज, राइस के कल्टीवेशन के लिए पीएच कितना चाहिए होता है, कितने रेंज तक का, 4 से 6, ये वाला सही है। आईआर वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूज इन इंडिया, तो यह फिलीपींस से लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसके बाद बी वाला इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज ए ड्वार्फ म्यूटेंट, तो इसमें जगन्नाथ आता है, डी वाला सही है। बीसवा आता है,
द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी 160 केजी प्रति हेक्टेयर। ये वाला सही है और ये वाला इसमें सही है 20वें में। अब 21वां है, फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफरिंग फॉर नर्सरी राइजिंग। तो 1000 मीटर स्क्वायर है इसमें, सी वाला सही है। अब 22वां है, डेपोक मेथड ऑफ राइसिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। डेपोक मेथड कहाँ से आया है? फिलीपींस से। तो डी वाला इसमें सही है। अब अगला है तो 23वें में है, इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ। तो 20 से 25 डे। तो इसमें सी वाला आपका सही है। 24वां है, इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के लिए डेपोक मेथड में कितना दिन लगता है? तो इसमें 11 से 14 दिन। ए वाला सही है। प्रोपानिल स्टैम्प F34 हर्बिसाइड जो है शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो प्रोपानिल का प्रयोग कितने करते हैं? तो 25वें का इसमें बी वाला सही है, 6 से 8 DAT। अब 26वां है, द क्रेसिक अकर इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस। तो BLV है इसमें। अब ट्रुंगो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ट्रुंगो वायरस जो होता है किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, फैलाया जाता है? तो ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा। 28वां है, डेड हार्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इज कॉज बाय। तो 28वें का है इसमें, 28वें का डी वाला सही है, स्टेम बोरर। अब सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज कॉज बाय। तो इसमें बी वाला सही है, गाल मिल्स। अब 30वां आता है, ग्रेसी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो 30वें का है इसमें बी वाला सही है, ब्राउन प्लांट हॉपर। गंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग, गंदी बग कब अटैक करता है राइस में? तो 31 का जो है सी वाला सही है, मिल्किंग स्टेज। अब टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज 21 ग्राम है। ओराइजा सटाइवा इज ए डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग क्रोमोसोम्स, कितने होते हैं? 24 ओराइजा सटाइवा के। और जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस इज DEE GEE WOO और जीन है ये। तो 34 का इसमें बी वाला है। अब अगला देखते हैं, गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स। तो गोल्डन राइस में जो होता है विटामिन ए होता है, ए वाला सही है। आइडिया ऑफ सुपर राइस विच वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है सुपर राइस का आइडिया? GS खुश द्वारा दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट सब साइडली ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम November 1, 1977 द्वारा
सी वाला सही है। द साइंटिफिक नेम ऑफ कम कॉमन ब्रिड वीट टिटकम स्पैरो कोकम है। इंडियन ड्वार्फ वीट बिलोंग टू, तो यह आता टिटकम स्पैरो कोकम से बिलोंग करता है। अब सेलेक्ट द पेयर विच नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं कर रहा है, तो इंडियन ड्वार्फ वीट जो होता है ट्रिटकम वल्गेरिस, ये गलत है क्योंकि ट्रिटकम स्पैरो को कम होना चाहिए यहाँ पे, बाकी सब सही है। वीट इज ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया, टर्की से है इसका उत्पत्ति स्थान 41 का। अब कॉमन ब्रीड वीट, तो 2N जो होता है 42 इज हेक्साप्लॉयड होता है, मतलब जो तो कॉमन जो वीट होता है यह हेक्साप्लॉयड होता है। अब 43वां है ड्वार्फ वीट मैक्सिकन जो होता है इज इंट्रोड्यूस इन, तो इसका राइट है इंडिया बाई, तो इसमें है डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉन्ग जी हैं। अब 44वां है मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इन, तो इसमें है इंडिया का है। अब विच कंट्री रैंक सेकंड इन वीट प्रोडक्शन, तो सेकंड पे है वीट प्रोडक्शन में गेहूं के उत्पादन में इंडिया। द फर्स्ट वीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट लोडिंग रेजिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज, तो नोरियन 10 है, बी वाला इसमें सही है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ वीट, तो इसमें 23 से 25 डिग्री सेल्सियस है, सी वाला सही है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज नावस, तो 48 का है, ए वाला सही है। ईयर द नॉर्मल सीड रेट ऑफ वीट इज, तो 100 kg प्रति हेक्टेयर लगता है। वीट क्रॉप यील्डिंग 50 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, कितना लगता है, तो इसमें है ए वाला सही है। 100 से 150 kg नाइट्रोजन लगता है, 70 से 80 kg फास्फोरस लगता है, और पोटाश होता है 120 से 150 kg लगता है। ये हो गया। अब 51 द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश फॉर वीट, 120 40 0। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कंटेंट ऑफ DAP आर, तो DAP में केवल नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस ही होता है, 18 और 46 पोटास नहीं होता है। और उसके बाद द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, तो इसमें ए और बी दोनों सही है। यस कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स। ट्रिटिकेल इज ए क्रॉस बिटवीन वीट और राई का है। फैलेरिस माइनर 55 में है। फैलेरिस माइनर बिलोंग्स टू द फैमिली, तो ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है। अब 56वां है द नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस कैन बी रिड्यूस बाई प्लेसिंग NH4 फर्टिलाइजर इन, तो इसमें 56 का जो है बी वाला सही है।
रिड्यूस्ड जोन, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन वीट एंड राइस, बी वाला सही है, 58 है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज इंश्योर्ड इन, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन कब हुआ है, 2011-12 में। एक्यूची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉजेस बाय, तो इसमें डी वाला है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब अगला, एट पीएच 4 द प्रीडोमिनेंट आयनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन H2PO4, माइनस, बी वाला सही है। फर्स्ट इरिगेशन टू द वीट क्रॉप शुड बी गिवन एट CARI स्टेज, ये वाला सही है। और 62 में, फेलेरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग आइसोप्रोन्यूरॉन का प्रयोग किया जाता है, बी वाला सही है। टेस्ट वेट ऑफ फेलेरिस माइनर इज 2 ग्राम है, ए वाला सही है। डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR इज लोकेटेड करनाल में है। द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबेल कैन इज सेकेरम ओफिसिनेरम, सेकेरम ओफिसिनेरम इज ए नेटिव ऑफ, किसका है, न्यू गुनिया का है, ए वाला सही है। 67 है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन में जो होता है तमिलनाडु का है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी में। अब 68 है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एकरेज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन कंट्री, तो यूपी में है लार्जेस्ट एकड़ में, और जो था हाईएस्ट प्रोडक्शन में है यूपी। उसके बाद फिर अगला आता है AICRP का पूरा नाम ऑल इंडिया रिसर्च कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट 1970-71 में था। 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑन शुगर केन सेल्स, तो इसमें सूट रूट्स आते हैं, बी वाला सही है। अब 70 है, द इनफ्लोरोसेंस ऑफ शुगर केन इज नाउ एस, तो आरओ होता है, ए वाला सही है। अब 71 में है, द बेस्ट सिचुएटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन लाइट बिटवीन 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, सी वाला सही है। 72 है, AICRP ऑन शुगर केन वाज स्टार्टेड इन 1970-71 में। 73 है, 48 शुगर केन इज प्लांटेड इन जुलाई से अगस्त, ये वाला सही है। और 74 है, द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सेलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन, क्योंकि ऊपर की उस पर जो था ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वह सीड के लिए चुना जाता है, ऊपर का वंती आई। और 75 है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन, तो इसमें पोटेशियम है,
76 है, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर एरीगेशन, तो इसमें फॉर्मेटिव स्टेज सी वाला है। अब 77, मोस्ट क्रिटिकल वीट कंपटीशन पीरियड इज अप टू मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर केन, तो 4 सही है, बी वाला है राइट आंसर। अब 78 है, मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज फॉर वीट कंट्रोल इन शुगर केन इज, तो इसमें है सीमेजीन है, एट्राजीन है, एलाक्लोर, डी वाला सही है, ऑल ऑफ दिस। 79 है, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन, तो रेड रॉट है, बी वाला सही है। हाउ मेनी सेल आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन, 35 से 40 हज़ार, बी वाला सही है। ट्रंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज यूज्ड इन कोस्टल एरिया, मतलब किनारी का जो एरिया होता है वहाँ पे किया जाता है ट्रेंच मेथड से शुगर केन की प्लांटिंग। अब 82 है, 82 में विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूसी इज, तो इसमें डिक्रीज होता है। अब 83 है, एप्लीकेनिया मेलानोल्यूका इज ए पैरासिटॉइड इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके लिए होता है, तो इसका सी है शुगर केन पायरिल्ला। अब 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेजिस्टेंट इज प्रेजेंट इन ए क्रॉप वैरायटी शोइंग हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट टू ए पैथोजन बट बिकमिंग ससेप्टिबल टू इट आफ्टर लार्ज स्केल कल्टिवेशन फॉर 4 to 5 years और सो, तो इसमें आता है 84 का, ए वाला सही है, वर्टिकल रेजिस्टेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन आर मोस्ट कोराइज, तो इसमें डी वाला है, पस पालम सैक्रो बाइकुलेटम। अब 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें जो है ग्राउंड नट का पोड डेवलपमेंट ये गलत है। अब है मतलब यही सही है ऑप्शन में जो पूछा है। तो 87 में है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीप इन फोटोसाइनेथिस इज अबाउट, जो होता है 52% होता है। अब 88 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सरसाइज मॉइस्चर एंड ड्रॉग, तो इसमें 88 में बी वाला सही है, मेज। 89 में, एट्राजीन यूज एज एन एंटी ट्रांसपायरेंट, तो इसमें है सी वाला सही है, एफेक्ट्स ऑफ क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमा। 89 हो गया है। अब 90 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वीड एंड क्रॉप इज नॉट करेक्टली मैच, तो टाइफा जो होता है शुगर केन से संबंधित नहीं है, गलत है ये, यही एक सही ऑप्शन है बल्कि।
91 है। एट्राजीन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेस इन मेच फील्ड विदाउट काजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट्स एज डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट अकर ड्यू टू प्रेजेंस इन। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, GSH एंजाइम। अब 92 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो हर्बिसाइड? तो माइक्रो हर्बिसाइड के रूप में सी वाला सही है, कॉलिगो। अब अगला 93 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी? है तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया क्रॉप रोटेशन कौन सा होता है? फसल चक्र, सोयाबीन, फिर आता है वीट आता है, फिर ग्रीन ग्राम आता है। अब अगला देखते हैं। तो 94 में है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विथ दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप्स सोन इन द सेम प्रोपोर्शन इज टर्न्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर है ये वाला है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब अगला देखते हैं। नाइन्टी फाइव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप ओनली। 96 है, द कैपेसिटी ऑफ ए सॉयल टू रेजिस्ट एप्रिकेबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, तो उसको बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। बी वाला सही है। अब 97 है, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉयल मेक यूज ऑफ, तो स्टोक लॉ का प्रयोग किया जाता है। बी वाला सही है। 98 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग ज्योमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड इकोसिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर है 98 का बी वाला है, स्किप रो प्लांटिंग। 99 है, ह्यूमिक एसिड इज ए फंक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज, तो इसका राइट आंसर है सॉल्यूबल इन एल्काइली एंड इनसॉल्यूबल इन एसिड। अगला है, 100वां है, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाई अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज इन ए क्रिस्टल लैटिक ऑफ ए सॉयल क्ले विदाउट डिसरिप्यूटिंग और चेंजिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल इज टर्म्ड एज। तो इसका राइट आंसर है सर्वे का सी वाला है, आइसोमोरफिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बिगिंग यूज इन ए कॉम्बिनेशन
सीड ट्रीटमेंट तो 101 का है, सी वाला है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। अब अगला देखते हैं, 102 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट। तो इसमें है, बी वाला सही है, येलो, स्मॉल, स्फेरिकल, टू ओवल, रिपीटेड रेड, आर्डियो पुस्टेल्स इन रो ऑफ लीफ। अब 103 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड वेराइटीज एंड सेलेक्ट द पेयर विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसका डी वाला है, ग्रीन ग्राम में जो है उपास 120 नहीं है, और यही सा यही है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। अब 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज इन वीट। तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, बी वाला सही है। 105 में है, द एलिमेंट विच डज नॉट इंटर इंटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट। तो इसका डी वाला सही है, पोटेशियम। अब 106 है, द प्लेट ट्यूब विथ लिटिल ग्रोथ रेट एंड कॉन्टिन्यूजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन द प्लांट्स कैन बी डिफाइंड एज। तो सफिशियंसी रेंज। 107वां है, द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉयल एग्रीगेटेड फॉर्मेशन इज। तो इसमें पॉलीसेक्राइड्स। 108वां है, टेट्राजोलिन टेस्ट इज यूज्ड डिटरमाइंड। टेट्राजोलिन टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सीड वायबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 109 है, हाउ मच क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांट। तो 100 ग्राम। अब 110वां है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथबीन इन इंडिया इज। तो मोथबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। 110वें का ए वाला सही है। 111वां है, द सीड रेट ऑफ सेसेमम। सेसेमम का सीड रेट कितना होता है, 3 से 4 केजी। 112 है, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज इन द स्टेट। तो मस्टर्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कौन सा स्टेट, तो राजस्थान है। अब 113वां है, द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नाउ है। तो मस्टर्ड को के फ्रूट को क्या बुलाते हैं, तो सिलकुआ बुलाते हैं। अब अगला देखते हैं, 114 में है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉयल फर्टिलिटी। 115 है, द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट वाज गिवन बाय अर्नॉन्ट एंड सॉल्यूट ने दिया था, बी वाला सही है। पोटैटो इज ए, पोटैटो क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, जमीन के अंदर वाला होता है, ये तना के रूप में, तो भूमि के तना। 117 है,
द मस्टर्ड ऑफ इरीगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अंडुलेटिंग इज, तो स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है। 118वां है, द डेप्थ ऑफ सोविंग ऑफ बाजरा इज, तो 102 सेंटीमीटर होता है गहराई में। अब एक सौ 119वां है, विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सॉयल एसिडिटी, तो लाइम का प्रयोग किया जाता है सॉयल एसिडिटी को दूर करने के लिए, लाइम मतलब चूना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोविंग ए कैच क्रॉप इज टू गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट, ये होता है। अब डी वाला सही है। अब 121वां है, बाई यूरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957, तो इसमें 1.5% होता है। बी वाला सही है। बॉन्ड फार्मर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो रिगेल या बॉन्ड्स, बी वाला सही है। अब 123 है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज, तो इसमें कोहेंसन आता है, सी वाला सही है। अब 124वां है, द अपर लिमिट ऑफ सॉयल ऑफ द सॉयल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो 1/3 बार होता है फील्ड कैपेसिटी का, फील्ड कैपेसिटी होता है और जिसका मृदा पृष्ठ तनाव कितना होता है 1/3 बार होता है, बी वाला सही है। अब 125 आता है, ए डिवाइस फॉर मेजरिंग परकोलेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम ए कॉलम ऑफ सॉयल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज नाउ एस, तो लाइसीमीटर होता है, डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 126 में है, एक कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इज ओपन कॉन्ड्यूट इज नाउ एस, तो 126 का है, पार्सल फिल्म, बी वाला सही है। 127 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नाउ एस, तो पाइजोमीटर होता है, सी वाला। 128 है, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज का सीड रेट कितना होता है, तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। 129 में है, बोटनिकल नेम ऑफ रागी इज, तो इल्यूसिन कोरा कैना, ये वाला सही है। अब अगला है 130, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम इज, तो इसमें पोर्ट बोरर है ये। 131वां है, द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट आर, मतलब मूंगफली में जो है ऑयल और प्रोटीन कितना होता है, तो 45% होता है ऑयल और 26% प्रोटीन होता है। अब अगला है,
132 में है, राइजिंग ऑफ क्रॉप विथ द लेटेस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड, तो मिनिमम टिलेज होता है, बी वाला सही है। 133 में है, फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट, कौन सा फर्टिलाइजर है जिस पर इंडिया डिपेंड है इम्पोर्ट करने के लिए, तो पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है। 134वां है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम द ग्रोथ रेट कितना होता है, 4% से अधिक होता है। विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के लिए लीडिंग स्टेट कौन सा होता है, तो प्रोडक्शन में गुजरात, डी वाला सही है। अब 135 हो गया, 136, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडिंग, तो इसमें सब है, ऑल ऑफ द वेब, क्रॉप्ड एरिया में भी होता है, सॉयल कैरेक्टर्स में भी होता है, अंडरग्राउंड वाटर में भी होता है, रिमोट सेंसिंग हेल्प स्टडी के लिए। अब 137 है, सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डिफिशियंसी ऑफ, तो बोरान का होता है। 138वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट, तो इसका ए वाला है सी, मतलब कार्बन। 139 है, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंग बीन इज नाउ एज, तो ईपीजीएल होता है, ईपीजीएल प्रकार का इसमें जर्मिनेशन पाया जाता है। 140 है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, तो राइजोबियम जपोनिकम होता है, सी वाला सही है। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, राइजोबियम जपोनिकम। 141 है, सेसमम बिलोंग टू द फैमिली, सेसमम कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो पीडेलिएसी, डी वाला सही है। अब 142 है, फ्लू क्लोरो रेलिन कैन बी यूज्ड इन सोयाबीन एस, तो इसका सी वाला है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होता है। अब 143 है, टॉपिंग ऑफ सफ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल, तो बी में है, टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, 143 का बी वाला सही है। अब अगला है 143 के बाद 144, डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये वाला सही है। अब 145 है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हेक्टेयर फॉर कॉटन हैज एस्टिमेटेड एज, तो 50,000 से 80,000 तक प्लांट पॉपुलेशन होता है, सी वाला सही है। अब 146 है, द इंसेक्ट बॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड ऑन, तो बॉल वर्म किस में लगता है, तो कॉटन में लगता है, सी वाला सही है। 147 है, स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूज
बाय। तो पीएमए द्वारा डी वाला सही है। अब 148 है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेज में जो होता है क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो टेसलिंग स्टेज होता है। बी वाला सही है। 149 है, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फैक्टर इन क्रॉप इज, तो साइनर जेटिक होता है। बी वाला सही है, साइनर्जेटिक। 150 में है, ग्रोइंग ऑफ कोकोनट बैक ब्लैक पीपर एंड जिंजर साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड, तो उसको मल्टी टिस्टोराइड क्रॉपिंग कहलाता है। अब अगला है, 151 में है, स्टीवेंसन स्क्रीन इज रिलेटेड टू, तो सी वाला है, एग्रो मेटोरोलॉजी। सी वाला सही है इसमें। अब अगला है, बोटेनिकल नेम ऑफ सीवान ग्रासेस इन, तो ए वाला सही है, लेस्यूरस सिंडिकस। अब 153 है, RMO-40 इज ए वैरायटी ऑफ, तो किसका है, मोथबीन का है। अब 154 है, एमोंगेस्ट ऑयल केक्स द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन, तो इसमें आता है ग्राउंड नट केक होता है। सी वाला सही है। अब 155 है, द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने दिया था। बी वाला सही है। अब अगला है, अब 156 में है, मैक्सिमम रेसिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विथ द कॉन्टिन्यूस सॉयल एप्लीकेशन ऑफ, तो इसमें आता है अमोनियम सल्फेट आता है। सी वाला सही है। 157 है, द क्वांटिटी ऑफ SSP 16% फास्फोरस होता है जिसमें, और उसके बाद P2O5 होता है, रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन टू 1 हेक्टेयर ऑफ राइस फील्ड एट ए डोज ऑफ 60 kg होता है P2O5 हेक्टेयर इज, तो 150 के ग्राह। अब 158 में है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ऑन सीवेज स्लूडेज एमंडेड सॉयल्स इज, तो इसमें कैडमियम आता है। 158 का डी। तो 161 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट्स, तो इसमें आता है बी वाला सही है, कैल्शियम। अब 160 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो इसमें आता ऑक्सिन आता है। 161 है, हैवी एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर ऑफ्टन लीड टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो इसमें आता है जिंक एंड कॉपर। अब अगला वाला है, 162 में है, इफ़ ए प्लांट सो एक्सटेंसिव इंटरवेंशन
वेनल क्लोरोसिस ऑफ द ऑर्डर लीव्स एंड लेट दिस रीच द यंगर लीव्स द सिम्टम्स इज ड्यू टू लैक ऑफ, तो इसमें था मैग्नीशियम आता है, ए वाला सही है। अब 163 आता है, फेनी मर्क्यूरिक एसिटेड PMA इज़ ए केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू, तो इसमें सी वाला सही है, रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन। अब 164 है, वाटर रिक्वायर इंक्लूड द लॉसेस ड्यू टू, तो इसका सी वाला है, कंजप्टिव यूज वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस एंड अदर इकोनॉमिकली अनएवॉइडेबल लॉसेस ऑफ वाटर, तो सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 165 में है, इफ़ 1 A 20 acre फार्म क्रॉप आर राइज्ड ऑन 15 acre इन रावी, 15 acre इन खरीफ एंड 20 acre इन जायद इन ए ईयर, व्हाट शैल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो 250% होगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो 166 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें राइस का जो था नोरिंटन, डी वाला राइट आंसर है। अब 167 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट इंड्यूस फ्लोरल एबनॉर्मलिटीज, तो इसमें ए वाला है, डाउनी मिडूल ऑफ मस्टर्ड। अब 168 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो राइस स्टेम बोरर का जो था ब्लैक ईयर से है। अब अगला है 169, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ पिजन पी इज ट्रांसमिटेड बाई एरियोफिड मिलेट, तो इसमें आता है स्टेरिलिटी मोजैक। अब 170 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री ऑफ इरेडिकेट प्रिकली पियर ऑफ ट्विना डी लेनाई वीड, तो इसका जो है बी वाला सही है, तो इसमें बी वाला है, डैक्टिलो पियस टोमेंटोसिस। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, 171, तो 171 में है, पैराथीनियम हाइस्ट्रोफोरस जिसको कांग्रेस घास कहते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो जाइगोग्राम मा बाई क्लोराटा के द्वारा, सी वाला सही है। अब 172 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बिगिंग कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, सी वाला सही है। अब 173 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाई ड्राइफ्ट, तो इसका जो है 173 का, रुकिए दो मिनट, बी वाला सही है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, बी वाला सही है। 174 है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विथ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वाइडर
देन 20 to 30 पॉइंट रेशियो 1 लीड टू ऑफ सॉयल नाइट्रोजन, तो इसमें इमोबिलाइजेशन आता है, डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 175 में है, फॉर शुगर केन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लीकेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन डेज आफ्टर प्लांटिंग फॉर बेटर शुगर के कंटेंट इन जूसेस, तो इसका सी वाला आंसर सही है, 60। अब 176 में देखते हैं, 176 में है, पोस्टपोनिंग ऑफ फर्स्ट इरिगेशन टू 40 to 45 डे आफ्टर सोइंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर कॉटन क्रॉप टू, तो इसका बी वाला सही है, प्रिवेंट एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, बी वाला इसमें राइट आंसर है। अब अगला देखते हैं, 177 का, इन फंक्शनल एलियोपैथी, तो इसमें आता है ए प्रिकर्सर इज रिलीज विच इज कॉन्वर्टेड इंटू एक्टिव सब्सटेंस बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका बी वाला सही है। अब 178 है, वाटर हार्वेस्टिंग इज डिपेंड डिफाइंड एज, तो कलेक्टिंग ऑफ एक्सेसिव रन ऑफ ऑफ फ्रॉम रेन ऑन द फार्म इन पॉन्ड्स एंड यूटिलाइजिंग इट लेटर फॉर एग्रीकल्चर, तो इसका डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 179 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ निपिंग इन ग्राम, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, प्लगिंग द एपिकल बड टू प्रमोट ब्रांचेस। 180 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप, तो इसका राइट आंसर जो है तोरिया है, सी वाला सही है। 181वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिले क्रॉपिंग सिस्टम, तो इसमें मेज है, पोटैटो है, वीट है और ग्रीन ग्राम है, तो बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो 182 में है, टेम्परोल कॉम्प्लीमेंट्री इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट फ्रॉम, तो उसका राइट आंसर है ए वाला, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरेंट इन टाइम, ए वाला सही है। अब 183 देखते हैं, तो इन ड्वार्फ वीट सोविंग डेप्थ इज रिलेटेड, तो इसमें है बी वाला सही है, लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। अब अगला है, अब 184 है, द कॉन्सिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कोकेड राइस डिपेंड लार्जली ऑन, तो इसका राइट आंसर डी वाला है, द प्रोपोर्शन ऑफ एमी लॉस एंड एमी लोपेक्टिन। अब अगला देखते हैं, तो 185 में है, द कॉन्सेप्ट ऑफ
क्यू अपॉन आई रिलेशन वाज डेवलप्ड बाय, तो 185 का जो है बी वाला सही है, ब्रैकेट ने दिया था। अब 186 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका डी वाला जो है करेक्टली मैच नहीं है। कार्बामेट्स जो होता है डायनोसेब, इसका कॉमन नेम नहीं है, बाकी सब सही है। तो अब अगला देखते हैं, तो 187 में है द पॉसिबल लिमिटेशन इन द इफेक्टिव यूजेज ऑफ एजोला आर, तो इसमें ऑल ऑफ दिस है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए भी होता है, लो श्यूरोवियल रेट ड्यूरिंग समर के लिए भी होता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है। तो इसका डी वाला सही है। अब 188 है, द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो इज, तो साउथ अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है पोटैटो का, बी वाला सही है। अब 189 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका लेंटिल है नॉर्दर्न इंडिया और स्विमिंग टाइम इसका जो था जुलाई और अगस्त नहीं है, तो सी वाला इसका सही है यहाँ पे ऑप्शन के रूप में। अब 190 है, सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन, तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना है और उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है हमारे ख्याल से वो है अमेरिका है। और उसके बाद 191 का है, एट फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ पीएफ इज, तो फील्ड कैपेसिटी का पीएफ वैल्यू कितना होता है, तो 2.5 होता है, 2.5, बी वाला सही है यहाँ पे। और 192 का है, एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यूपी द पीएफ वैल्यू इज, तो इसका 4.2 होता है। अब अगला देखते हैं, 193 है, द परसेंटेज पोर स्पेस इन ए सॉयल हैविंग ए बल्क डेंसिटी ऑफ 1.16 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड पार्टिकल जो है डेंसिटी ऑफ 2.62 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर इज, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है, 55.7। अब अगला देखते हैं, 194 में है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द सेट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच आर एब्जॉर्ब्ड एज एन आयन बाय प्लांट इज, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, बोरान, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम, फास्फोरस और सल्फर को जो होता है एब्जॉर्ब करता है। अब अगला है 195 में, ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइड 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज, तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, एसएसपी जिसको कहते हैं, या 3 जो होता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। अब 196 है, द यफी किलेट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू क्रॉप ग्रोइंग ऑन एसिड सॉयल इज, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, एफी एच ई डी टी ए है। अब अगला देखते हैं, तो 197 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेंट वाटर सॉल्युबल फास्फोरस, तो इसके लिए जो है तीनों पहला और तीसरा जो है सही है,
SSP है और MAP है। अब अगला देखते हैं, 198 में है, स्टेम नोड्यूलेशन ऑकर्स इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, एस चाइरो चाइनो मिनी एफ्रेस पेरा। तो 198 का जो है डी वाला आंसर है। अब अगला है 199, हाइब्रिड राइस फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है, चाइना है इसमें। अब अगला देखते हैं, तो 200 में है, इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टॉपिंग एंड डी स्क्रीन इज टू। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है, डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हैड टू लीफ। अब 201 है, क्रॉप लॉगिंग इज यूज्ड इन। तो क्रॉप लॉगिंग किस में यूज किया जाता है, शुगर केन में यूज किया जाता है, ये वाला सही है। अब 202 है, द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड इज नॉट यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द मॉइस्चर इन। तो इसका डी वाला सही है, ऑर्गेनिक सॉयल है। अब अगला देखते हैं, 203 में है, हैवी सीडिंग ऑफ बर्ड्स एंड बॉल्स अकर इन कॉटन ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, वाटर स्ट्रेस एट बर्ड फॉर्मेशन स्टेज। अब 204 है, इन फैरो मेथड ऑफ इरीगेशन। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, ओनली जो है 3/4 ऑफ द फैरो इज वेटेड। अब 205 में है, इफ द रेट ऑफ एप्लीकेशन पर हेक्टेयर इज 3 kg AI, द क्वांटिटी ऑफ सिमेजिन वेटरबल पाउडर 80% AI रिक्वायर्ड टू बी स्प्रेड इन 0.20 हेक्टेयर एरिया वुड बी। तो इसका राइट आंसर जो है 0.75 kg है। अब 206 है, यील्ड एडवांटेज इन ए इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अकर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका बी और ए दोनों है, टेम्परल कॉम्प्लीमेंट्री है और स्पेशियल कॉम्प्लीमेंट्री है, स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री। 207 में है, एट फील्ड कैपेसिटी द वाटर इज हेल्ड एट। तो कितना होता है फील्ड कैपेसिटी, तो इसका राइट आंसर जो है 0.033 मेगा पास्कल, ए वाला सही है। अब 208 में है, ए वैल्यू कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई। तो ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रिड एंड डीन के द्वारा दिया गया है, डी वाला सही है। अब 209 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। निम्न में से किसमें सल्फर का कार्बनिक रूप है, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है, 16 में है, बी वाला इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, तो 210 है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस फ्रॉम अमोनिकल फर्टिलाइजर इन सॉयल इज नाउ एस। इसमें है, मिट्टी में अमोनिकल उर्वरकों से नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड
गैसों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह डिनेट्रिफिकेशन कहलाती है। सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं। तो 211 में कहा है, ब्रेस्का जेंसिका हैज बीन इवॉल्व्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। तो मतलब कहा है इसमें ब्रेस्का जेंसिका को किसके बीज संस्करण के बाद विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, ब्रेस्का नाइग्रा एंड ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। अब 212 देखते हैं। इसमें दिया गया है डोलोमाइट इज, तो डोलोमाइट क्या है? तो MgCO3 CaCO3 है। अब अगला देखते हैं। 213 में कहा गया है, साल्ट इन द जाइलम डक्ट्स ऑफ द रूट आर कैरिड अपवर्ड विथ। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब 214 है, द ऑर्गेनिक रेसिड्यूज विथ वायर्ड सी रेशियो एन रेशियो एज कंपेयर्ड टू नैरो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आर डिकम्पोज्ड एट। तो इसमें कहा गया है कि संकीर्ण कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात की तुलना में व्यापक जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात वाले कार्बनिक अवशेष पर विघटित होते हैं। तो किस रूप में होते हैं? स्लो रेट में विघटित होते हैं। इसमें बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं। 215 में कहा है, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है। अब 216 है, एट वाट पीएच वैल्यू फास्फेट अवेलेबिलिटी इज द हाईएस्ट इन द सॉयल। तो मतलब किस पीएच मान पर जो होता है मृदा में फास्फेट की उपलब्धता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर जो है 6.5 है। अब 217 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि बंची टॉप इन शुगर केन इज काजेस बाय। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, टॉप सूट बोरर की वजह से जो होता है बंची टॉप होता है शुगर केन में। अब 218 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय यूज्ड ऑफ केमिकल। तो बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, किस केमिकल द्वारा? तो एंटीबायोटिक केमिकल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब 219 देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला है, डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट। मतलब पोटास के इंक्रीज होने पर क्या होता है, प्लांट में रोगों के प्रति जो होता है रोगरोधक क्षमता बढ़ जाती है पौधों में। अब अगला देखते हैं। तो 220 में कहा है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉयल वाटर इज नाउ एज। तो सतही मिट्टी के जो होता है पानी की नीचे की ओर गति किस रूप में होता है? तो परकुलेशन कहलाता है। मतलब गति जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परकुलेशन कहते हैं। अब अगला देखते हैं। 221 में, द हर्बिसाइड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड। तो उसे ऑर्गेनिक हर्बिसाइड कहते हैं। अब अगला देखते हैं। तो 222 में कहा है, एली क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, ग्रोइंग
अ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस रो अ फास्ट ग्रोइंग ट्री। तो बी वाला इसमें सही है। अब 223 है, रिले क्रॉपिंग मीन्स, रिले क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है? तो ग्रोइंग ऑफ फोर क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर सच एज ए मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज सो बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। तो इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। एक साल में इसमें क्या होता है कि चार फसलों को उगाना जो होता है एक सेम लैंड में, और एक फसल की कटाई से पहले दूसरे फसल की बुआई करना, उसे क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है ये। अब 224 देखते हैं, इसमें कहा है हाउ मच सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीट विथ वन पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर। तो 10 किलो, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से जो होता है 10 किलो लेग्यूम यानी कि दाल वाली फसल का उपचार कर सकते हैं। अब 225 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें डी वाला है, मस्टर्ड में जो होता है 10 लिखा हुआ है जो कि यह गलत है, सीड रेट इसका 10 लिखा हुआ है जो कि गलत है। अब 226 देखते हैं, द हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले इज डोलमा है, इसमें हस्कलेस वैरायटी। अब अगला देखते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो अरहर का जो था इसमें नीलम लिखा हुआ जो कि गलत है, अरहर का नीलम जो था वैरायटी नहीं है। अब अगला देखते हैं, 228 में है, द क्राउन रूट इन वीट अपीयर। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है, बिलो सॉयल सरफेस बट अबव सीड। 229 में है, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप इस टर्म एस, तो उसको कैच क्रॉप कहलाते हैं, मतलब सीजन को पकड़ने के लिए इसमें बुआई किया जाता है इसकी, कैच क्रॉप की। अब 230 में है, अवरोधी वैरायटी ऑफ ग्राम इज रेजिस्टेंट टू। तो ग्राम का जो अवरोधी वैरायटी है यह विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट होता है। अब अगला देखते हैं, तो 231 में है, इन विच क्रॉप द यूज ऑफ बीजीए एज ए बायो फर्टिलाइज़र विल बी मोस्ट यूजफुल। तो राइस में जो है होता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो होता है सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होता है राइस में होता है। अब 232 है, विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट। तो सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल जो होता है हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। अब अगला देखते हैं, 233 में है, नाइट्रोजन इज अप्लाइड इनटू ट्रांसप्लांटेड राइस इन द प्रोपोर्शन ऑफ। तो 50% एट बेसल प्लस 25% एट टिलरिंग प्लस 25% एट पेनिसिल इमरजेंस स्टेज। डी वाला इसका सही है। अब 234 में है, द ऑप्टिमम
प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ सोरघम इज, तो प्लांट पॉपुलेशन प्रति हेक्टेयर जो सोरघम का कितना होता है, तो 150,000 प्लांट होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब अगला देखते हैं, तो 234 के बाद 235, द क्रॉप ग्रोन इन यूपी ड्यूरिंग ऑल द थ्री सीजन, तो मेज का इसमें राइट आंसर है डी है, तीनों सीजनों में यह उगाया जाता है। अब इरिगेशन इन ग्राम आर रिकमेंडेड एट, तो डी वाला सही है, बिफोर फ्लावरिंग एंड पोट फॉर्मेशन स्टेज। 237 है, उपास 120 इज ए वैरायटी ऑफ, तो पिजन पी अरहर का है। अब 238 में है, इंटरकल्चर इन ग्राउंड नट इज अवॉइड एट, तो पिगिंग स्टेज में होता है। तो पिगिंग स्टेज में हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड नट में इंटरकल्चर अपनाने से जो होता है अवॉइड करते हैं। अब 239 है, द गिनिंग परसेंटेज इन कॉटन कैन बी वर्क आउट बाय द फार्मूला, तो उटाई परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, तो वेट ऑफ लिंट बटे वेट ऑफ सीड कॉटन इनटू 100 से, बी वाला सही है। अब 240 है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ मस्टर्ड इज ऑब्टेंड एट ए प्लांट ज्योमेट्री ऑफ, तो 45 इंटू 20 सेंटीमीटर है। अब 241 है, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड मोर, तो जिप्सम का रिक्वायर्ड किस में ज़्यादा होता है, तो ग्राउंड नट में होता है। अब अगला देखते हैं, तो 242 में है, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज वीट प्लस ग्राम मूंग इज, तो कितना है, 300% है। 243 में है, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेनियन क्रॉपिंग, मतलब साथी फसल के रूप में कौन जाना जाता है, तो सुगर केन प्लस पोटैटो। अब अगला देखते हैं, 244 में है, इंटरक्रॉपिंग ऑफ मस्टर्ड विथ पोटैटो इज रिकमेंडेड इन, तो इसका जो राइट आंसर है ए वाला सही है, रिप्लेसमेंट सीरीज है। अब अगला देखते हैं, तो विच क्ले मिनरल इज रिच इन पोटास, तो इलाइट में होता है, सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 246 है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज सॉयल इज कैरिड आउट बाय, तो बैक्टीरिया, ए वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो 244 में है, एरोइंग इज नाउ एज, तो इमर्जेंस ऑफ इनफ्लोरोसेंस इन सुगर केन को एरोइंग कहते हैं, बी वाला सही है इसमें। अब 248 है, प्लांट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूट्रिएंट इन क्लोरोफिल इज, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, मैग्नीज है, Mg। अब अगला देखते हैं, तो 249 में है, द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस इन लीव्स
कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इन द एब्सेंट ऑफ, तो बोरान है, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, अब 250 है, अरुणा इज़ द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है, कैस्टर का। अब 251 है, विच सॉयल हैज़ द हाईएस्ट कर्टेन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो इसका क्ले लूम है, डी वाला सही है। अब 252 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, और इसका जो है ए वाला राइट आंसर है, अरुणा का इंटर स्पेसिफिक क्रॉस नहीं है, गलत है ये, और क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो यही सही विकल्प है। अब 253 देखते हैं, ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेसिडियल एंड प्लूम्यूल डेवलप फ्रॉम, तो किसके द्वारा होता है जर्मिनेशन में, एम्ब्रियो द्वारा, ए वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 254 में है, एंटी सेनेसेंट पॉलीहार्मोन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिब्रिलिन के द्वारा, सी वाला सही है इसमें। 255 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट सो फोटो रेस्पायरेशन, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, मेज है। अब 256 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट एंड साइनेटिक कल्टीवर्स आर यूज्ड, तो मेज है इसका, सी वाला सही है। और उसके बाद 257 है, द रिसेंटली डेवलप्ड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड, तो रिसेंट जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है किसके यूज किया गया है, तो कॉटन में, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 258 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला, सनफ्लावर का जो था प्रभात नहीं होता, ये गलत है। अब अगला देखते हैं, 261 में है, विच कैसन हैज हायर एग्रीगेशन कैपेसिटी इन सॉयल, तो इसका एल्युमिनियम है, ए वाला सही है। अब 260 देखते हैं, विच कैटायन हैज लो एडसॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन क्ले, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, सोडियम। अब 261 है, ब्लैक कॉटन सॉयल इज रिच इन, तो किस में होता है, मोंटमोरिलो नाइट में होता है, ए वाला सही है। अब 262 है, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय पैडी अंडर वाटर लॉगेड कंडीशन, तो NH4 आयन होता है नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में देता है या एब्जॉर्ब करता है राइस में। अब 263 है, फास्फेट कंटेनिंग मिनरल इज, तो कौन सा है फास्फेट कंटेनिंग मिनरल, एपेटाइट है, बी वाला सही है। अब 264 है, PDM 11 इज ए वैरायटी ऑफ, तो PDM 11 जो था वैरायटी किसका है, मूंग का है, सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं,
तो 265 में है, रेनफॉल इंटेंसिटी इज जनरली हायर ऑन, तो नियर द इक्वेटर के पास जो होता है वहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी जो हमेशा हाई रहती है। अब 266 है, सॉयल ऑफ विच सॉयल ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक होरिजन, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है, एंटी सोइल। अब अगला देखते हैं, 267 में है, एक्सेस अपटेक विच एलिमेंट नाउ एज लग्जरी कंजप्शन, तो इसका सी वाला है, तो पोटेशियम है इसमें। अब अगला देखते हैं, 268 में है, द सॉयल कैरिड इन सेलेंटेशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल साइज, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला है, 0.1 से जो होता है 0.5 mm का होता है। 269 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मतलब निम्नलिखित में से कौन जो होता है सरसों के तेल के तीखेपन का कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, ग्लूकोसिनोलेट्स। अब 270 देखते हैं, टेक्सचर ऑफ द सॉयल कैन बी चार्ज बाई, तो नन ऑफ दीज, ना तो फर्टिलाइजर के प्रयोग करने से होता है, ना मैन्योर के प्रयोग करने से होता है, ना टीलेज प्रैक्टिसेस करने से होता है। 271 है, द स्लो ग्रोविंग स्पीसीज ऑफ लेग्यूम रूट नोड्यूल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन बैक्टीरियल जीनस, तो इसका राइट आंसर जो है ब्रेडी राइजोबियम है। 272 है, सबस्टेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट, तो ग्लूटीन के कारण ये होता है, ये वाला सही है इसमें। अब 273 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज फास्फेट सॉल्युबिलिटी, तो किसके उपस्थिति में जो होता है फास्फेट की जो होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो परसिडोमोनास के कारण होता है, बी वाला इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, तो 274 है, सीड वर्क बोर्ड इज रिक्वायर फॉर, तो क्या रिक्वायर होता है, ब्लीडिंग ऑफ सीड। 275 है, द फार्मूला LER1 बटे LER इंटू वैल्यू ऑफ कंबाइंड इंटरक्रॉप रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, MAI रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो था LER का पूरा नाम क्या होता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है, और जो आंसर है MAI है इसका, उसका पूरा नाम है मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स है। अब अगला देखते हैं, लीसा इज रिलेटेड टू, तो लीसा किससे रिलेटेड है, तो यह ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। लीसा का पूरा नाम है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। 277 में है, अंदर ड्रॉग द सोरगम प्लांट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग इन, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला है, रूट है इसमें। अब अगला देखते हैं, तो 278 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ बार्ले इज नेमेटोड रेजिस्टेंट, तो नेमेटोड रेजिस्टेंट के लिए जो होता है राज किरण है, RD 387, तो 278 का डी वाला सही है। अब 279 देखते हैं, ऑल द ग्रेन लेग्यूम्स हैव ए हाईएस्ट हाई पोटैटो रेस्पायरेशन बिकॉज ऑफ C3 मैकेनिज्म का होता है, ए वाला सही है।
अब 280 देखते हैं, पॉलन वायबिलिटी ऑफ वीट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 281 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन सा है, इसमें मीथेन है। अब 282 है, खैरा डिजीज ऑफ राइस इन राइस इज काजेज ड्यू टू, तो खैरा डिजीज किसके कारण होता है, तो खैरा डिजीज जो होता है जिंक डिफिशेंसी के कारण होता है, बी वाला सही है। अब 283 है, सॉयल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव बाई एप्लीकेशन ऑफ, तो सॉयल स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए किसका कौन सा क्या डाला जाता है इसमें, तो सुपर फास्फेट डाला जाता है। अब अगला देखते हैं, 284 है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉयल्स वेरियस डायरेक्टली विथ, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है, टोटल पोरोसिटी। 285 है, द प्रिंसिपल वे इन विच फास्फोरस एंड पोटास आयन मूव फ्रॉम द सॉयल टू द रूट ऑफ फील्ड क्रॉप इज, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, डिफ्यूजन। अब अगला देखते हैं, 286 है, इमोबिलाइजेशन ऑफ सल्फर टेक प्लेस व्हेन द सल्फर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लेस देन, कितना होता है, 0.15%। 287 है, ऑर्गेनिक कार्बन इज ए मेजर ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला है, अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉयल। अब अगला देखते हैं, अब 288 है, तराई सॉयल आर डिफिशियंट इन, तो इसका जो तो राइट आंसर डी वाला सही है, जिंक। अब अगला देखते हैं, तो 289 है, सॉयल स्ट्रक्चर कंसर्न विथ, तो सॉयल स्ट्रक्चर जो होता है इसका राइट आंसर जो है अरेंजमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल। अब 290 है, परसेंटेज कंटेंट ऑफ सल्फर इन सिंगल सुपर फास्फेट SSP में जो है सल्फर की मात्रा कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है बी वाला, 12%। अब अगला देखते हैं, हाइड्रोक्सिलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉयल इज़ वेरी लो इन केस ऑफ, तो हाइड्रोक्सिलिक जो है कंडक्टिविटी सॉयल में वेरी लो कब होता है, किन केस में, एल्काइलिक सॉयल में होता है, एल्केली सॉयल में, डी वाला सही है। अब 292 है, इन ए गुड क्वालिटी मैन्योर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो शुड नॉट बी मोर देन, 20% से अधिक नहीं होती है, 20 से अधिक नहीं होती है, बी वाला सही है। अब 293 है, अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ सरफेस 15 सेंटीमीटर सॉयल ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड इज, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, 2.24 × 10^6 kg। अब 294 है, कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन सॉयल, तो ऑक्सीजन होता है, ये वाला सही है। अब 295 है, इफ द ग्रेवी मेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉयल इन 15% एंड द बल्क डेंसिटी इज 1.4 g/cc, द वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट इज,
तो बी वाला सही है 21%। अब 296 है, विच इज नॉट करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा जो था सही मिलान नहीं हुआ है। तो 296 का जो है डी वाला है, स्ट्रक्चर जो होता है रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल नहीं है। अब अगला देखते हैं, 297 में है टिल्टेथ इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, ऑल ऑफ दिस सब इसमें सही है, ए बी सी तीनों इसमें सही है जो दिया गया है। ए में दिया गया है शेप ऑफ द सॉयल एग्रीगेटेस, और बी में दिया गया है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉयल एग्रीगेटेस, और सी दिया गया है अरेंजमेंट ऑफ द सॉयल एग्रीगेटेस। अब 298 है, सोयाबीन सीड कंटेंट, सोयाबीन में तो 20% ऑयल होता है और 40% प्रोटीन होता है, डी वाला सही है। 299 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो यूरिया में जो होता है 60% जो होता है, 60 जो होता है एसिड जो होता है इक्विवेलेंट नहीं होता है, तो बी वाला सही है क्वेश्चन के हिसाब से। 300 है, सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज गुड क्वालिटी ऑयल बिकॉज इस कंटेंट्स, मतलब सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल जो होता है एक अच्छे क्वालिटी वाला क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो विच क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डबल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, तो सेसबीना रोस्टराटा, सी वाला सही है। अब अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द हाइएस्ट कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड, तो कॉटन में हाइएस्ट कंजप्शन होता है पेस्टिसाइड का, बी वाला सही है। कैनोला इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स बिलोंग टू, तो मस्टर्ड से सही है इसमें, ए वाला सही है। अब 304 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टीपीएस वैरायटी ऑफ पोटैटो, ट्रू पोटैटो सीड टीपीएस का फुल फॉर्म है, तो इसका बी वाला सही है, एचपीएस 1/113। अब 305 है, फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ पी और P2O5 इज मल्टीप्लाइड बाई, तो कितना है, सी वाला सही है, 0.437 है। अब 306 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप काजेज मैक्सिमम रिडक्शन इन सॉयल एल्कलिनिटी, तो इसमें जो ए वाला सही है। अब 307 है, परमानेंट सॉयल प्रॉपर्टी इज, तो परमानेंट सॉयल प्रॉपर्टी क्या होता है, टेक्सचर होता है, सी वाला सही है। अब 308 है, द रेशियो बिटवीन ग्रॉस एंड नेट क्रॉपेड एरिया इज कॉल्ड एन इंडेक्स ऑफ, तो उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। और 309 है, ब्लाइंड टिलेज रिफर टू, तो इसका राइट आंसर क्या है, होइंग बिफोर जर्मिनेशन,
अब 310 है, जीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज सक्सेसफुली इन 1950 इन पास्चर रिनोवेशन इन। तो इसका राइट आंसर क्या है 310 का, यूएसए में, डी वाला सही है 310 का। अब 311 है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस, तो डिक्रीज, इसमें सही है सी वाला। अब 312 है, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लांट इज मेंटेन्ड बाय, तो वाटर है ए वाला सही है। अब 313 है, एन एनुअल वीड कॉमनली फाउंड इन राइस फील्ड इज, तो इसका राइट आंसर है, तो इसका जो है बी वाला सही है, तो इकाइनो कोला क्रस गाली है, इकाइनो कोला क्रस गाली। अब 314 है, प्रोसेस ऑफ लॉसिंग फॉर स्प्रेटिंग फाइबर्स फ्रॉम प्लांट इज नाउ एज, तो उसको रीटिंग कहते हैं, बी वाला सही है। अब 315 है, फ्लो ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉयल इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो डी वाला सही है, ए और बी इसमें दोनों सही है। तो ए में दिया है पाई सॉइल लॉ और बी में दिया है डॉर्सीज लॉ। अब 316 है, ट्रू डेंसिटी ऑफ मोस्ट मिनरल सॉइल इज यूजुअली, तो मोस्ट मिनरल सॉइल में ट्रू डेंसिटी कितना होता है सामान्य तौर पे, तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 317 है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल बाय राइजोबियम इज इंक्रीज बाय, तो पी है इसका सही, ए वाला आंसर सही है, फास्फोरस। अब 318 देखते हैं, तो द यूज ऑफ टेंजायोमीटर इज कन्फाइंड अप टू मैट्रिक पोटेंशियल ऑफ, तो इसका -0.8 bar है। अब 319 देखते हैं, तो ईच यूनिट चेंज इन पीएच रिप्रेजेंट ए चेंज इन एक्टिव ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सीड आयन बाई, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, 10-fold है। अब 320 देखते हैं, रिलेटिव विड्स आर, तो इसका बी वाला आंसर सही है, प्लांट ऑफ अदर क्रॉप इन द क्रॉप फील्ड। अब 321 है, सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस, तो ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस का सीड रेट कितना होता है, तो 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, बी वाला सही है। अब 322 है, चिप्सोना इज अ वैरायटी ऑफ, तो चिप्सोना किसकी वैरायटी है, आलू की वैरायटी है। अब 323 है, विच कंट्री इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। अब 324 है, हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन आर कैटेगराइज इन इंडिया, इंडिया में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है इंडिया को, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, 15। अब 325 है, मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू, तो इसका जो है राइट आंसर बी वाला सही है, पैडी क्रॉप में। अब 326 है, जीरो टिलेज टिल
सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग ऑफ। तो 326 का जो है सी वाला सही है, वीट इन राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। अब 327 है, इन मेज प्लांट्स, तो इसमें बी वाला सही है, टेसल अपेयर फर्स्ट। अब 328 है, द पेनिसिल इनिशिएशन स्टेज इन राइस प्लांट कम, तो इसका आंसर जो है बी वाला सही है, आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज। अब 329 है, द फर्स्ट जीएम पोटैटो डेवलप एट सीपीआरआई सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है, फॉर इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट इन ट्यूबर्स कंसिस्ट ऑफ जीन फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, ग्रेन एमरेंथस। अब 330 है, द करेंट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज, तो इंडिया में जोता है प्रेजेंट में कितना पर कैपिटा फॉरेस्ट है, तो 0.07 हेक्टेयर। अब 331 है, कल्टीवेशन ऑफ ड्यूरम वीट इज प्राइमरली कन्फाइंड टू, 331 का सी वाला सही है, सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। अब 332 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन के हिसाब से वीट है, 20 से 22 ग्राम। और फिर अब अगला देखते हैं, 333 है, द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइजर यूज फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई इज, तो इसमें एनहाइड्रोस अमोनिया सी वाला सही है, एनहाइड्रोस अमोनिया है। अब 334 है, विच वन इज द रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज, तो कितना रिकमेंड किया जाता है मेज में ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, तो 66,000 है, बी वाला सही है। अब 335 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, तो पैराक्वाइड है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब 336 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नैरो लीव वीट, तो इसमें मेलियो लोटस इंडिका है, डी वाला सही है, नॉन नैरो लीव वीट्स में। 337 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ सीजन वीट, इसमें से कौन सा जो था खरीफ सीजन का वीट नहीं है, तो चीना पोडियम एल्बम बथुआ जिसको कहते हैं, तो बथुआ जो था खरीफ सीजन का वीट नहीं है। अब 338 है, विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड, तो CH4 मेथेन है, ए वाला सही है, मेथेन जो होता है धान के खेत से निकलता है। अब 339 है, CO2 कंटेंट इन सॉयल एयर इज, तो इसका राइट आंसर जो है 339 का जो है सी वाला है, 0.25%। अब 340 है, रेंसिडिटी इन सनफ्लावर
ऑयल इज काजेज बाय, तो इसका बी वाला सही है, ऑक्सीडेशन। अब अगला देखते हैं। 341 में दिया है, ओपेक टू मेज कंपोजिट्स आर रिचर एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल मेज इन, तो नॉर्मल मेज की तुलना में क्या ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसमें लाइसिन होता है। अब 342 है, फ्लिंट कॉर्न इज कॉमनली ग्रोन इन इंडिया इज आल्सो नाउ एज, तो फ्लिंट कॉर्न को किस नाम से जाना जाता है जो इंडिया में कॉमनली उगाया जाता है, उसको जिया मेज इंडुराटा के नाम से जाना जाता है। बी वाला सही है। अब 343 है, द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर मेज ग्रोथ इज, तो मेज के ग्रोथ के लिए मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर कौन सा होता है, तो 32 डिग्री सेल्सियस। अब 344 है, फर्स्ट हाइब्रिड मेज गंगा वन वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन, गंगा वन कब डेवलप किया गया था, पहली जो हाइब्रिड किस्म थी 1961 में। अब 345 है, मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज इन मेज, तो कॉमनली जो होता है कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जाता है मेज में, तो सिमेजिन का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखते हैं, तो 346 है, विच सीरियल इज नॉन टिलरिंग इन नेचर, तो नॉन टिलरिंग नेचर का कौन सा होता है, तो मेज है। अब 347 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, तो हाइब्रिड वैरायटी मेज का कौन सा है, तो संगम है, डी वाला सही है। अब 348 है, हु इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज, तो डी एफ जॉन्स ने दिया था, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो 349 में है, ज्वार इज प्राइमरली इन नेटिव ऑफ, तो प्राइमरली नेटिव किसका है, ये कहाँ का है नेटिव, तो बी वाला सही है, अफ्रीका है इसका। अब टेस्ट वेट ऑफ सोरघम इज, तो सोरघम का जो था टेस्ट वेट कितना होता है, तो 25 से 30 ग्राम, बी वाला इसमें सही है। अब 351 है, सॉयल सिकनेस इज काजस बाई, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, और डी में दिया हुआ है बी और सी, मतलब ज्वार और लिंसिड दोनों सही है। अब 352 है, रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ ज्वार मे बी ऑब्टेंड बाई यूजिंग ए सीड रेट ऑफ केजी प्रति हेक्टेयर, तो 352 का जो है बी वाला सही है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब 353 है, CASH1 वाज फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड वैरायटी रिलीज्ड इन, तो CASH1 जो कब रिलीज़ किया गया था, जो कि पहला हाइब्रिड वैरायटी था 1964 में। अब 354 है, फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन इन मेज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर, तो इसका राइट आंसर है ए वाला, टेस्लिंग। अब 355 है, द फैट कंटेंट इन बाजरा इज अराउंड, फैट कंटेंट बाजरा में कितना होता है, तो 5%। अब 356 है, HB1 हाइब्रिड ऑफ बाजरा रिलीज्ड इन 1965 इवॉल्व्ड फ्रॉम ए क्रॉस, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, टिफ्ट 23A इंटू बिल 3B, ए वाला इसमें सही है।
अब 357 है, सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बाजरा इज, तो ट्रांसप्लांटिंग बाजरा के लिए जो था सीड रेट कितना होना चाहिए, 2 kg। अब 358 है, रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ ग्राम में बी ऑप्टेंड बाय यूजिंग ए सीड रेट ऑफ kg प्रति हेक्टेयर, तो कितना रिक्वायर होता है, 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर होता है। अब 369 है, द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर नॉर्मल सोन क्रॉप ऑफ लिंटिल इज kg प्रति हेक्टेयर, तो कितना है इसका, सी वाला सही है, 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर। अब अगला देखते हैं, 360 है, अर्किल और अर्ली बैगार और बोनविले एंड अर्ली दिसंबर आर द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, तो ये किसकी वैरायटी है, तो इसमें जो होता है राइट आंसर जो है बी वाला सही है, पी मटर। 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वराइटीज ऑफ पिजन पी इज एन एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग, तो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग के लिए कौन सा होता है, तो प्रभात है, डी वाला सही है। अब 362 है, द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पिजन पी क्रॉप इज, तो पिजन पी का ऑप्टिमम सीड रेट कितना होता है, तो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर है। अब 363 है, तो दिया हुआ है 363 में, वेन मून बींग्स आर अलाउड टू स्प्राउट विच विटामिन इज सिंथेसाइज, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, विटामिन सी। 364 है, विच वैरायटी ऑफ मूंग बीन इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन बोथ ड्यूरिंग रेनिंग एंड समर सीजन, तो रेनी या समर सीजन दोनों के लिए उपयुक्त कौन सी वैरायटी है, तो टाइप 44 जिसको पूसा बैसाखी भी कहते हैं। 365 है, ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड इन, तो ब्लैक ग्राम का उत्पत्ति स्थान इंडिया ही है। अब अगला, तो 366 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज्ड एज ए पल्स ए फोल्डर एंड ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, मतलब पल्स के लिए भी यूज किया जाता है, फोल्डर के लिए भी यूज किया जाता है, और ए ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज किया जाता है, तो उसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, काउपी। अब 367 है, पूसा फाल्गुनी पूसा बरसाती पूसा ऋतुराज पूसा दो फसली आर द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, तो किसका होता है, काउपी का है, डी वाला सही है। अब 368 है, सोयाबीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम यूएसए इन, तो कब किया गया था, 1960 में। 369 है, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ सोयाबीन इज, तो सोयाबीन का सीड रेट कितना होता है, 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर, बी वाला सही है। अब 370 है, द टिलरिंग और स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ग्राउंड नट इंक्लूड्स, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीसीज प्रोक्यूम्बेंस। 371 है, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेस्मम इंडिकम, तो सेस्मम का क्रोमोसोम नंबर कितना है, 26 है।
372 है। कैस्टर इज ओरिजिनेटेड इन, तो कैस्टर का उत्पत्ति स्थान क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका है, बी वाला सही है। 373 है, द ऑप्टिमम सीड रेट केजी प्रति हेक्टेयर फॉर गेटिंग डिजायर्ड पॉपुलेशन ऑफ कैस्टर इज, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, 18 से 20। अब 373 के बाद 374, द परसेंट प्रोटीन इन लिनसीड इज, तो लिनसीड में प्रोटीन कितना होता है? 36% होता है। अब 375 है, लिनसीड बिलोंग टू फैमिली, लिनसीड किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पेडिलिएसी, हमारे ख्याल से यही है 375 का, नहीं 375 का जो है लाइन एसी है, बी वाला सही है इसमें। अब 376 है, सीड बॉल इज ए फ्रूट ऑफ, तो सीड बॉल किसका फ्रूट है? तो लिनसीड का है। 377 है, कार्थमस टिंक्टोरियस इज ए बॉटनिकल नेम ऑफ, तो कार्थमस टिंक्टोरियस होता है किसका बॉटनिकल नेम है? तो 377 का बी वाला सही है, सफ्लावर का है। अब 378 है, द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ सफ्लावर सनफ्लावर इज केजी प्रति हेक्टेयर, तो कितना होता है? तो सनफ्लावर में जो होता है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, ये वाला सही है। अब 379 है, द ऑयल कंटेंट इन द कॉटन सीड रेंज फ्रॉम, तो कितना होता है? 15 से 25% होता है, बी वाला सही है। अब 380 है, सी आइसलैंड कॉटन बिलोंग टू, तो सी आइसलैंड कॉटन बिलोंग कहाँ से करता है? तो गॉसिपियम बारबेडस से बिलोंग करता है, डी वाला सही है। अब उसके बाद फिर 381 है, वारा लक्ष्मी इज ए इंटर स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ कॉटन इवॉल्व्ड एट, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, धरवाद है। अब 382 है, ओरिजिन ऑफ कारकोरस कैप्सुलेरिस जिसको वाइट जूट बोलते हैं इज बिलीव्ड टू बी इन द, तो इसका राइट आंसर है इंडो बर्मन रीजन, मतलब जूट का उत्पत्ति स्थान इसमें पूछ रहे हैं हिसाब से, तो वह इंडो बर्मन रीजन है। वाइट जूट जो है उत्पत्ति स्थान क्या इसका? इंडो बर्मा है। अब अगला देखते हैं, तो 383 है, वेट ऑफ वन कॉटन बाल इज इक्वल टू, तो 170 किलोग्राम के बराबर होता है एक कॉटन बॉल। अब उसके बाद 384 है, द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सोइंग कैपलेरिस टाइप, यानी कि वाइट जूट का सोइंग टाइम पूछ रहा है, पीरियड कब है? तो मार्च से अप्रैल है। और उसके बाद 385 है, द आइडियल स्टेज ऑफ हार्वेस्ट ऑफ जूट फॉर फाइबर पर्पस इज, तो फाइबर पर्पस के लिए जो था हार्वेस्ट का स्टेज कौन सा? तो स्मॉल पोड स्टेज होता है। अब 386 है, तो रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज, तो रेटिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो 34 डिग्री सेल्सियस, डी वाला सही है। 387 है,
द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ रेटिंग ऑफ स्नैप इज, तो बी वाला इसमें सही है, 21 से 27 डिग्री। अब 388 है, बरसीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया फ्रॉम इन 94, 1904 में जाता है, किसके द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इजिप्ट द्वारा। 389 है, बरसीम सीड रेट आर ट्रीटेड विथ, तो किसे ट्रीट किया जाता है, तो राइजोबियम ट्राइफोलिया द्वारा, बी वाला सही है। 390 है, द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बरसीम शुड बी केजी प्रति हेक्टेयर, कितना है, तो 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर है। अब लूसर्न इज ए नेटिव ऑफ, किसका है, पर्सिया का है, ए वाला सही है। अब 392 है, रैम्बलर NDRI सेलेक्शन नंबर 1 एंड मोपा आर द वैरायटी ऑफ, तो किसकी वैरायटी है, लूसर्न की है। 393 है, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार आर द इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ, तो किसका है, डी वाला सही है, ग्वार का। 394 है, नेपियर ग्रासेस वाज इंट्रोड्यूस टू इंडिया इन 1912, तो बी वाला सही है, साउथ अफ्रीका से किया गया था। अब 95 है, अबाउट डैश रूट स्लीप्स और स्टेम कटिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन नेपियर ग्रासेस, तो इसका बी वाला सही है, 27,800। अब 396 है, सुगर बीट्स जिसको बीटा वल्गेरिस इसका साइंटिफिक नेम है, ओरिजिनेटेड इन मेडिट्रेनियन रीजन बिलोंग टू, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो चीना पोडियसी फैमिली से बिलोंग करता है सुगर बीट्स। 397 है, सुगर बीट्स मैच्योर इन, तो कब मैच्योर हो जाता है, अप्रैल मई में होता है। अब 398 है, फॉर आइडियल प्लांट पॉपुलेशन द सीड रेट ऑफ सुगर बीट शुड बी केजी प्रति हेक्टेयर, कितना होता है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, बी वाला इसमें सही है। 399 है, द आइडियल टेम्परेचर फॉर टर्बोराइजेशन इन पोटैटो इज, तो कितना आइडियल टेम्परेचर होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस। अब अगला देखते हैं, तो 400 है, द मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इज प्लांटेड फ्रॉम, कब उसकी बुआई की जाती है, तो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। 401 है, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टोबैको इज, तो 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, बी वाला सही है, टोबैको का सीड रेट। तो 402 है, टॉपिंग कंसिस्ट इन रिमूवल ऑफ द टर्मिनल बड विथ और विदाउट सम ऑफ द स्मॉल लीव प्रैक्टिस्ड इन, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, टोबैको है। अब 403 है, इन टोबैको द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रैक्टिस इज, तो इसमें ए वाला सही है, टॉपिंग होता है, डी सकरिंग होता है और प्रिमनिंग होता है, ए वाला इसमें सही है। अब 404 है, कैंट कोचमैन एंड फ्लेमिंग गोल्ड आर द वैरायटी बिलोंग टू, तो वैरायटी किसकी है, ये ओट का है। अब 405 है, इंडिया हैज़ अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ इट्स
टोटल कल्टीवेटेड एरिया अंडर फोल्डर क्रॉप, तो 4.5% है इसमें, ए वाला सही है। अब 406 है, इन इंडिया फर्स्ट ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी वाज स्टार्टेड इन, तो 1923 में शुरू किया गया था। अब अगला देखते हैं, तो 407 है, अंडर स्ट्रेस कंडीशन विच एमिनो एसिड एक्यूमुलेटेड इन क्रॉप प्लांट्स, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, प्रोलिन। अब अगला देखते हैं, 408 है, जादिया एंड ज्वाला वैरायटी ऑफ मूथ बीन वेयर डेवलप एट, तो इसका राइट आंसर ए वाला सही है, जोबनर है। 409 है, हेड क्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे ये अवस्थित है हेड क्वार्टर, तो इसका आंसर है ए वाला सही है, न्यू दिल्ली है। अब 410 है, इन नॉर्थ इंडिया अंडर राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोस्ट डिफिशियंट, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, जिंक होता है। अब अगला देखते हैं, तो 411 है, यूजीन 99 इज ए स्टेम रस्ट काजिंग फंजाई इन वीट वाज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम फ्रॉम, तो युगांडा द्वारा रिपोर्ट किया गया था। अब ए वाला इसमें सही है। अब 412 देखते हैं, इन वर्ल्ड विच साइंटिस्ट हैड डेवलप्ड फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वैरायटी H4 एट सूरत इंडिया, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, सीटी पटेल जी ने डेवलप किया था H4 वैरायटी को। 413 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉयलेट पार्टिकल्स विल फ्रॉम ए सॉयल सस्पेंशन एग्जिबिटिंग हाई कोलाइडल प्रॉपर्टीज, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, वर्मी कोलाइट है। 414 में दिया है, विच नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ए डिक्रीज इन नाइट्रेट नाइट्रोजन अंडर एनएरोबिक जो था कंडीशन, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है, डीनाइट्रिफिकेशन है। अब 415 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज स्पेशली टाइटली हेल्ड बाई ऑर्गेनिक मैटर दैट इट्स अवेलेबिलिटी टू क्रॉप प्लांट्स कैन बी वेरी लो इन ऑर्गेनिक सॉइल, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, कॉपर है इसमें। 416 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स ओनली इन एनायनिक फॉर्म, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, फास्फोरस सल्फर और बोरान को सिर्फ एनायनिक फॉर्म में ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। अब 417 देखते हैं, तो इसमें दिया है, अमंग द फॉलोइंग फॉर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर द स्लोवेस्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज सीन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर जो है लिग्निन है, सी वाला सही है इसमें। अब 418 दिया हुआ है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर व्हाट इज़ द रिजल्ट, तो अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिजल्ट क्या देता है, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, इंक्रीज्ड अमोनियम कंटेंट एंड इंक्रीज्ड
पीएच डी वाला इसमें सही है। अब 419 है तो इसमें दिया है फॉर एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरस एट द रेट ऑफ 50 kg P2O5 पर हेक्टेयर टू कॉटन क्रॉप द क्वांटिटी इन केजी ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट रिक्वायर्ड फॉर जो होता है 1/2 एकड़ इज। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, 188 है इसमें। अब 420 है, विच ऑफ द क्ले मिनरल्स आर फाउंड मोस्ट इन एग्रीकल्चर सॉयल। तो कौन सा क्ले मिनरल होता है, इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, फाइलोसिलिकेट होता है। तो इसमें बी वाला सही है। अब 421 है, अमंग द फॉलोइंग विच प्लांट्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट रीच्ड रूट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो इसमें कौन सा है 421 का, ए वाला सही है, फास्फोरस है। अब 422 दिया हुआ है, तो 422 में दिया हुआ है फॉर विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्लांट्स डिपेंड स्ट्रांगली ऑन क्यूलेशन टू इम्प्रूव अवेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉयल टू प्लांट रूट सरफेस। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, यफी है इसमें। अब 423 है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इसमें पहले में दिया हुआ कैल्शियम, दूसरे में फास्फोरस, तीसरे जिंक और चौथे मैग्नीशियम दिया हुआ है, Mg। अब उसके बाद नीचे दिया हुआ है द एसिडिक सॉयल आर डिफिशियंट इन विच ऑफ द अबव न्यूट्रिएंट एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, पहला तीसरा चौथा है। तो पहले में कैल्शियम है, तीसरे में फास्फोरस है और चौथे में मैग्नीशियम है, Mg है। अब तो इसमें सी वाला सही है। अब 424 है, द रूट्स ऑफ विच क्रॉप प्लांट रिलीज एलियोपैथिक केमिकल्स इनटू द सॉयल दैट इनहेबिट द जर्मिनेशन ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, सनफ्लावर है। 425 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर इन रिसेंट ईयर। तो कौन सा है, इसका डी वाला सही है, फोर्थ इन एरिया अंडर इरिगेशन, डी वाला सही है। अब 426 है, टू विच फैमिली डज द न्यूली डेवलप्ड प्लांट वैरायटी कैनोला बिलोंग। तो क्रूसीफेरी है और इसका डी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो 427 दिया हुआ है, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ द ग्रोविंग ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है। दिया हुआ है टू आर मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इंटर मिंगल्ड विदाउट एनी रो पैटर्न, ए वाला इसमें सही है। 428 है, ड्यू टू ए वाइड कार्बन नाइट्रोजन रेशियो एप्लीकेशन ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक पैडी स्ट्रॉ विल लीड टू। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉयल और नाइट्रोजन, एन दिया हुआ है सिंबल उसका, सी वाला सही है उसमें। अब 428 है, द ब्लैक कलर ऑफ
वर्टिसोल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन दिस सॉयल्स ऑफ। इसका सी वाला सही है, मैग्नीज है, टाइटेनियम है एंड ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स है। अब अगला देखते हैं, 430 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रमोटेड रूट ग्रोथ कीप्स द सॉयल रिएक्शन नेचुरल एंड इम्प्रूव्स द सॉयल स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, कैल्शियम है। 431 है, फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू एज एडिशन टू ए स्टैंडिंग क्रॉप लीड्स टू। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला सही है, इमोबिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉयल। डी वाला सही है 431 में। अब अगला देखते हैं, 432 में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखना इसका, तो ग्रीन मैन्योरिंग विथ ढैंचा जिसको सेस बिना बिनिया एक्यूलाटा है इम्प्रूव सॉयल फर्टिलिटी बाई। तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, लोवरिंग द पीएच ऑफ सॉयल, दूसरा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थॉग रूट नोड्यूल्स, और तीसरा है कंट्रीब्यूटिंग लार्ज क्वांटिटी है ऑफ बायोमास टू द सॉयल। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीनों सही है इसमें। तो इसके हिसाब से जो होता है पहला दूसरा तीसरा डी वाला ऑप्शन जो आपका सही है। अब 433 है, हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सॉयल रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू द प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, कॉपर है। अब 434 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट पैरासाइट नेमेटोड्स। तो प्लांट पैरासाइट नेमेटोड से रक्षा करने के लिए किस क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करते हैं? तो इसमें मैनेज करने के लिए, तो इसका सी वाला सही है, मैरीगोल्ड का प्रयोग करते हैं। अब 435 है, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो एग्रीकल्चर क्रॉप और एनवायरनमेंट का तो इसमें है एग्रो इकोलॉजी है, ए वाला सही है। 436 है, नॉर्मली कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर रेशियो ऑफ सॉयल इज। तो कितना है? 110:1 के अनुपात में होता है, बी वाला सही है। 437 है, सोरघम क्रॉप इज कंसीडर्ड एज कैमल क्रॉप बिकॉज ऑफ। तो 437 का बी वाला सही है, रेजिस्टेंट टू ड्रॉग्ड, बी वाला इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, अब 438 में दिया हुआ है, एवरेज रेनफॉल ऑफ द कंट्री इज। तो कंट्री का एवरेज रेनफॉल कितना है? तो 1190 mm है, बी वाला सही है। 439 है, विच ऑफ दीज हर्बिसाइड इज यूज टू कंट्रोल वीड्स इन जीरो टेलेज। तो किस का प्रयोग करते हैं? तो पैराक्वाइट है। 440 है, रिपीटेटिव ग्रोविंग ऑफ सेम सोल क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इज नाउ एस। तो उसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, मतलब एक ही फसल बार बार एक खेत पे बोना,
मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। अब 441 है, द बाई यूरेट परसेंट लिमिट ऑफ यूरिया फॉर फोलियर एप्लीकेशन इज, तो 0.25% है, ए वाला इसमें सही है। 442 में है, व्हाट इज ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर बीटी कॉटन, तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है बीटी कॉटन का, तो 10,000। अब अगला देखते हैं, तो 443 में है, ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज काजस बाई विच वीट, तो किस वीट के कारण होता है ड्रॉपसी डिजीज, तो अर्जेंटमोना मैक्सिकाना, बी वाला इसमें सही है। अब 444 है, फिंगर लीफ डिजीज इन कॉटन इज काजस ड्यू टू रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ विच केमिकल, तो इसका जो है सी वाला सही है, 240। अब अगला देखते हैं, तो 445 में दिया है, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड इज, तो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड कौन सा है, तो 240 है इसमें। अब 446 है, पोप पोड इन ग्राउंड नट इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो इसका राइट आंसर जो डी वाला सही है, कैल्शियम है। तो 447 में दिया हुआ है, द लीफ कलर चार्ट LCC जिसको बोलते हैं इज यूज्ड फॉर जजिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन टू द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, राइस इसमें। अब अगला देखते हैं, 448 में दिया हुआ है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट स्पेसीज ऑफ कॉटन ग्रोन इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, गॉसिपियम हिरसुटम है। अब 449 है, तो 449 में है, इसमें दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज यूज्ड एज शुगर केन राइपनर, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, तो एथेफोन है, सी वाला सही है। अब 450 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रस, तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, जिंक है इसमें। अब एग्रोनॉमी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 इज, तो विटामिन B12 का जो है बी वाला सही है, कोबाल्ट होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।